जय महाकाल दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर एवं मस्जिद को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ये परीक्षा धाम की बुक से हम 50वें नंबर का चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम मध्य प्रदेश के पूरे प्रमुख मंदिर को डिस्कस करेंगे। पूरे प्रमुख मंदिरों को डिस्कस करने वाले हैं इस एक ही लेक्चर में। लेक्चर को पूरा देखें, बिल्कुल आपको काम काम की जानकारी मैं देने वाला हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है दोस्तों, है ना। मंदिरों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। क्या माय नेम इज क्या है? विक्रम खंडेलकर दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इसके पहले 49 चैप्टर मैंने डाल चुका हूँ, चैनल प्लेलिस्ट बनाकर रख चुका हूँ। अगर आपको देखना है मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं लेक्चर्स अगर पसंद आ रहे हैं तो आप जाके मेरे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा लेक्चर देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप उसको बार बार तरीके से पढ़ के रिविजन करके उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करके चैंपियन बन सकते हैं दोस्तों। आइए शुरू करेंगे। हम ज़्यादा बातें ना करते हुए मध्य प्रदेश के मंदिर एवं मस्जिद को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर दोस्तों, महाकालेश्वर जो महाकाल की नगरी उज्जैन है वहां पे है दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर। यहां मंदिर उज्जैन में छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। उज्जैन में छिपरा नदी, उज्जैन छिपरा नदी के तट पे बसा हुआ है और उस तट पे ही ये मंदिर है दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर। आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है दोस्तों। एक तो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में है और दूसरा है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो खंडवा में है दोस्तों। यानी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारत में, जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग अपने मध्य प्रदेश में है। एक तो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकाल की नगरी उज्जैन में है, यानी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है। और ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग वो भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो वो खंडवा में है दोस्तों। तो उसका नाम क्या है? ओमकालेश्वर, और इसका नाम है महाकालेश्वर। तो एक बात याद रखना है आपको, भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंग अपने यहाँ पे, एक 2 ज्योतिर्लिंग है ये याद रखना। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में, उसमें से 2 ज्योतिर्लिंग अपने मध्य प्रदेश में, एक तो महाकालेश्वर और दूसरा ओमकालेश्वर। तो देखिए महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है दोस्तों। महाकालेश्वर भगवान शिव का प्रमुख मंदिर है दोस्तों, प्रमुख मंदिर है। आप जानते होंगे पुराणों और महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है दोस्तों। मनोहर और बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है दोस्तों, है ना। और भव्य दक्षिण मुखी मंदिर है दोस्तों, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये कैसा मंदिर है। तो ये भव्य एवं दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर की अत्यंत पुण्यदायी महत्व है। दक्षिण मुखी पूरे भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव में, शिव के, उसमें से ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है दोस्तों जो दक्षिण मुखी है, दक्षिण दिशा में है उसका मुंह। दक्षिण मुखी समझ में आ गया, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा है जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ऐसा मान्यता है दोस्तों। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए मंदिर की प्रशंसा की है। क्वेश्चन आ सकता है, जो कालिदास है, कालिदास की जो रचना है मेघदूत, जो मेघ बादल के माध्यम से जो मेघदूत है ना, मेघदूत रचना है कि नहीं कालिदास की? महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महाकालेश्वर मंदिर की प्रशंसा कालिदास की किस रचना में है? तो मेघदूत में है, है ना। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो इल्तुतमिश जो था दोस्तों, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के कारण, यानी तोड़े जाने के कारण, बाद में यहाँ शासक आए। महाकालेश्वर मंदिर को तोड़ा था, है ना, उसको ध्वस्त कर दिया था पूरा। और उसके बाद के जो शासक यहां पे आए हैं दोस्तों, उन्होंने समय समय पर इसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया और इस मंदिर को अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करने में मदद की और मंदिर को भव्य बनाया दोस्तों, है ना। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, 12 वर्ष के अंतराल में यहाँ सिंहस्थ का मेला इसी मंदिर पर आयोजित होता है, छिपरा नदी के तट पर उज्जैन में। सिंहस्थ का मेला, है ना, जिसे कुंभ का मेला के रूप में भी जाना जाता है, 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। एक बार लगता है, उसके बाद 12 वर्ष बाद लगता है। 2016 में लगा था, अब उसके 12 वर्ष बाद लगेगा। तो ये क्वेश्चन इतने सारे इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, है ना। तो ये है ना, इसे ये मंदिर में को कोटी तीर्थ भी कहा जाता है दोस्तों। कोटी तीर्थ भी कहा जाता है। इसकी दर्शन मात्र से ही कोटी तीर्थ हो जाता है ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा धार्मिक मान्यता है दोस्तों, है ना। श्रवण मास जो होता है सावन का, हर सोमवार में इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है दोस्तों। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु अपने दर्शन करने और अपनी मन्नतें पूरी करने आते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्व है दोस्तों इस मंदिर का, है ना। हाँ, तो इतना बता दिया मैंने आपको जानकारी के लिए। जो भोज, राजा भोज ने भी इस मंदिर का थोड़ा बहुत विस्तार करवाया था दोस्तों, है ना, इतनी जानकारी के लिए। और इल्तुतमिश ने तोड़ा था, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है।
अब हम बात करेंगे दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर की। आपको जानकारी के लिए कुछ कुछ बताया, बुक के हिसाब से देखते हैं। यहां मंदिर उज्जैन में छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, छिपरा नदी के तट पर बसा हुआ है उज्जैन में, महाकाल की नगरी उज्जैन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना। उज्जैन में छिपरा नदी के तट पर बसा हुआ है, छिपरा नदी के किनारे 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों, 2016 में लगा था। और कुंभ का मेले को सिंहस्थ के मेले के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र ऐसा है जो दक्षिणमुखी पूछा जा सकता है। इसकी यात्रा करने से 7 सागर, 9 नारायण और 64 महादेव की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है दोस्तों, बताओ है ना, इतनी महत्व है इसका। इसकी यात्रा करने से 7 सागर, 9 नारायण और 64 महादेव की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है ना। और उसके अलावा भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक अधिकरण जो है दोस्तों, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिकरण ने इसे मध्य प्रदेश का पहला सेफ भोग पैलेस घोषित किया है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। किस मंदिर को सेफ भोग पैलेस घोषित किया है पूछा गया है, सेफ भोग पैलेस घोषित किया है पूछा गया है। सेफ भोग पैलेस का मतलब क्या है दोस्तों, ये उज्जैन, उज्जैन का महाकाल मंदिर देश का पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां मिलने वाले प्रसाद और भोजन को मिला है खास टैग, एक खास टैग दिया गया है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिकरण मानव प्राधिकरण के द्वारा महाकालेश्वर मंदिर को दिया गया है, याद रखना है ना। सेफ भोग पैलेस घोषित किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, कौन से मंदिर को घोषित किया गया सेफ भोग पैलेस, ऐसे ही पूछेगा। सेफ भोग पैलेस, सेफ भोग पैलेस का मतलब है सेफ भोग, जो भोग मिल रहा है बिल्कुल सेफ है ना, यानी वहां का जो प्रसाद और भोजन से को मिला है खास टेक, जिसे सेफ भोग पैलेस द्वारा सेफ भोग पैलेस का दर्जा दिया गया है, इतना याद रखना है। तो महाकाल की नगरी उज्जैन आप जाए घूमने है ना, तो जय महाकाल दोस्तों। तो महाकालेश्वर मंदिर पूछा गया आएगा, समझ में आ जाएगा जो भी बताया मैंने काम काम का है ना। और उज्जैन में ही दोस्तों, उज्जैन में ही क्या हुआ था, याद आ रहा है, समुद्र मंथन, उज्जैन हुआ था याद रखना, मंथन समुद्र मंथन जो पुराणों में बताया गया, समुद्र मंथन पुराण समुद्र मंथन उज्जैन में ही हुआ था छिपरा नदी के किनारे। बात करेंगे कंदरिया महादेव मंदिर की दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर इंपॉर्टेंट है। खजुराहो में मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जो भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है यह मंदिर है ना, भगवान शिव का मंदिर है दोस्तों। कंदरिया महादेव मंदिर इंपॉर्टेंट है, खजुराहो के बारे में अपन आगे अच्छे से और पढ़ेंगे है ना, खजुराहो के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। खजुराहो के जितने भी मंदिर है, खजुराहो के सबको देखेंगे एक एक करके। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने, चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, किसके द्वारा, चंदेल शासकों है ना। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जो शिव का मंदिर है, इसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था और यूनेस्को में भी शामिल है। तो देखते हैं, अब देखो यहाँ क्या क्या लिखा है ना, इतना बता दिया काम काम का। इसका नाम कंदरिया महादेव इसलिए रखा गया दोस्तों, इसका नाम कंदरिया महादेव इसलिए रखा गया, नामकरण भगवान शिव का एक नाम कंदर्पी के अनुसार हुआ है, कंदर्पी के अनुसार हुआ है, इतना याद रखें बस है ना। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर छतरपुर के खजुराहो में स्थित है, कहाँ स्थित है, छतरपुर के खजुराहो में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर, और यह छतरपुर का सबसे विशाल और सबसे बड़ा मंदिर है। खजुराहो का यह सबसे बड़ा मंदिर है, इसकी ऊंचाई लगभग 31 मीटर है दोस्तों। चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, समझ में आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो खजुराहो से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था है ना, चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। और विद्याधर के बाद ही दोस्तों, विद्याधर के बाद ही शासक बनता है कौन सा, गंगदेव, इसके बाद शासक बनता है गंगदेव है ना, चंदेल शासक गंगदेव। तो कई बुकों में ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी और कई बुकों में लिखा हुआ है दोस्तों कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो गंगदेव ने करवाया था। तो क्या हुआ, विद्याधर के बाद बैठता है दोस्तों गद्दी पे गंगदेव, तो विद्याधर और गंगदेव, गंगदेव दोनों में टाइम निर्माण होता है, विद्याधर भी देता है और गंगदेव भी देता है, लेकिन खासकर एमपी की परीक्षा में जब पूछा गया तो विद्याधर दिया, याद रखना है, विद्याधर ने करवाया था। और एनसीईआरटी की बुक में लिख रखा है कि गंगदेव ने करवाया था, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद वो शासक बैठता है ना। तो ये समझ में आ गया। तो कंदरिया महादेव मंदिर तो चंदेल शासकों द्वारा, चंदेल शासक विद्याधर ने बनवाया था और इसे यूनेस्को में शामिल किया गया 1986 में, यूनेस्को में भी शामिल है दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर, यानी खजुराहो के मंदिर को शामिल किया गया, सॉरी कंदरिया महादेव ने खजुराहो के पूरे मंदिरों को शामिल किया गया यूनेस्को में है ना, ये आगे बताऊंगा मैं जब खजुराहो पढ़ेंगे अपन अच्छे से। तो ये समझ में आ गया। बात करेंगे 64 योगिनी मंदिर दोस्तों, 64 योगिनी मंदिर एक मुरैना में भी है, 64 योगिनी मंदिर मुरैना में है दोस्तों, ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर मुरैना जिले में पाडवाली के पास मीतावाली गाँव में स्थित है।
पाडवली, पाडवली के पास मितावली गांव में स्थित है दोस्तों। 1323 ईस्वी में इस विशाल शिलालेख के अनुसार कच्छपक राजा देवपाल द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, राजा देवपाल द्वारा बनवाया गया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शैव पूजा को समर्पित यह वृत्ताकार मंदिर है दोस्तों, है ना। इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन में प्रेरणा का स्रोत है दोस्तों। जो अपना भारतीय संसद है दोस्तों कहाँ पे, दिल्ली में जो भारतीय संसद है उसका डिजाइन ऐसा ही है, चारों तरफ पूरे कॉलम लगे हुए हैं बीच में, तो इसका डिजाइन जो है ये ऐसा बना हुआ था दोस्तों प्राचीन काल में, है ना। तो इसका डिजाइन लिया गया दोस्तों, इसका डिजाइन लिया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, 64 योगिनी मंदिर जो मुरैना है इसी से डिजाइन लिया गया, भारतीय संसद का प्रेरित है यानी इस जैसा है, तो इससे प्रेरित हुआ। अब वो अंग्रेज ने बनाया होगा तो इसको देखा होगा। तो 64 योगिनी मंदिर मुरैना जिले के मितावली गांव में स्थित है ना, मितावली गांव में, पडावली के पास मितावली, पडावली के पास मितावली गांव में स्थित है। यहां मंदिर का निर्माण कच्छपात राजा देवपाल द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है किसने करवाया था, देवपाल ने करवाया था। शैव पूजा को समर्पित यह वृत्ताकार मंदिर है दोस्तों, इसका डिजाइन भारतीय संसद के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 64 योगिनी मंदिर का है मुरैना में, याद रखना है। खजराना गणेश मंदिर दोस्तों इंदौर में है, ये खजराना गणेश मंदिर है ना, खजराना गणेश मंदिर। तो इंदौर शहर के आसपास अन्य शहर के नागरिकों को खजराना मंदिर में बहुत विश्वास है दोस्तों, और बहुत विश्वास है। यहाँ मंदिर बहादुर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था। हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों खजराना गणेश मंदिर, खजराना गणेश मंदिर यहाँ इंदौर शहर में स्थित है। खजराना गणेश मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यह तिल चतुर्थ महोत्सव, यह तिल चतुर्थ महोत्सव 21-23 जनवरी 2022 तक मनाया गया दोस्तों। भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने इसे मध्य प्रदेश का दूसरा सेफ भोग पैलेस घोषित किया गया। पहला पूछेगा तो ओमकालेश्वर मंदिर के वहां पे किया गया, दूसरा पूछेगा तो खजराना गणेश मंदिर को किया गया, याद।
ठीक है बन जानकारी दे देता हूँ आपको, तो कम जानकारी तो परीक्षा में आती तो बनती, ज्यादा रहती तो याद हो जाती है, बताओ तो, है ना, इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ। बिजासन माता का प्रतिमा है वहां पे, बिजासन माता की प्रतिमा स्थापित है ना, ऊपर ही देखो इमेज देख सकते हैं आप। नवरात्रि के दौरान बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं यहाँ पे, मैं तो नहीं गया हूँ दोस्तों यहाँ पे अभी तक तो, है तो इस मंदिर में देवी लक्ष्मी और सरस्वती और भैरव के मंदिर भी स्थित है, तो यहां से इतना ही जो भी बताया, सलकनपुर माता मंदिर, समझ में आ गया। बात करेंगे राम राजा मंदिर, दोस्तों राम राजा मंदिर, यह मंदिर निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है। कहां स्थित है? ओरछा, है ना। राम राजा मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है दोस्तों। ओरछा कहां आता है? निवाड़ी में, पहले टीकमगढ़ में आता था, फिर निवाड़ी का गठन हुआ तो निवाड़ी में चला गया, तो ओरछा में मंदिर है दोस्तों। यह एक पवित्र हिंदू तीर्थ है, यहाँ है ना बड़े भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं आमतौर पर ओरछा मंदिर के यहाँ पे। तो ये दोस्तों, ये मंदिर दोस्तों यहाँ पे हिंदू त्यौहार मकर संक्रांति वसंत पंचमी और कई टाइम पे बहुत बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है, और यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान राम को, राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है, यानी भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, इसीलिए इसका नाम है राम राजा मंदिर। यह मंदिर निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है। बुंदेल शासक मधुकर शाह ने राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया था, इंपॉर्टेंट है। बुंदेल शासक मधुकर शाह, मधुकर शाह बुंदेल शासक था ना, तो उसने करवाया था इसका निर्माण राम राजा मंदिर का। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखें। राम राजा मंदिर कहाँ है करके क्वेश्चन आ सकता है, ओरछा, है ना, ओरछा में है, बस इतना याद रखना है, है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों भोजपुर मंदिर, भोजपुर मंदिर को भोजेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। ये रायसेन में है, भोजपुर आता है रायसेन में। यह मंदिर रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी? बेतवा नदी के किनारे भोजेश्वर मंदिर या भोजपुर मंदिर है। 18 फीट ऊंचा शिवलिंग है दोस्तों, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है, भगवान शिव का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इस मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने करवाया था दोस्तों, इसलिए इसको भोजेश्वर या भोजपुर, है ना, धाम भी बोलते हैं। तो राजा भोज ने करवाया था। भोजपुर को मध्यकाल का सोमनाथ या उत्तर का सोमनाथ या पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। एक सोमनाथ आपको मालूम है गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, लेकिन इसको क्या उत्तर भारत का सोमनाथ या पूर्व का सोमनाथ भी कहते हैं या मध्य भारत का सोमनाथ भी कहते हैं दोस्तों? एक सोमनाथ तो मेन गुजरात में, तो इसको उपनाम दिया गया है उत्तर का सोमनाथ या पूर्व का सोमनाथ, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन कि मध्य भारत का सोमनाथ। भोजेश्वर मंदिर, भोजपुर, भोजेश्वर महादेव मंदिर या भोजपुर मंदिर को कहा जाता है, इतना याद रखना है, है ना। भोजपुर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। यह बेतवती नदी यानी बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, है ना, बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। भगवान शिव की पूजा करते हैं यहां पर। पुरानी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा बोलते हैं कि पूजा करने के लिए पांडव इस मंदिर का निर्माण करवाया था, पूजा करने के लिए पांडवों ने इस मंदिरों का निर्माण करवाया था, है ना, पांडव ने, है ना। और यह मंदिर आज भी अधूरा है दोस्तों, ये मंदिर आज भी अधूरा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ। अधूरा मंदिर कौन सा है पूछा जा सकता है, ये मंदिर आज भी अधूरा है दोस्तों, है ना। भोजेश्वर नामक जो भोजेश्वर नाम से जो विख्यात शिव मंदिर है, ये पूर्व का सोमनाथ भी कहते हैं, भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर दूर है, इसे पूर्व का सोमनाथ भी कहते हैं। और ये मंदिर भोजेश्वर मंदिर आज भी अधूरा है दोस्तों, आज भी अधूरा है ऐसा बोलते हैं। मैं भी नहीं गया हूँ अभी तक यहाँ पे, है ना, पांडवों ने इसका निर्माण करवाया था ऐसा बोल कहा गया है ना, पांडवों ने इसका निर्माण कराने के लिए, पूजा करने के लिए निर्माण कर रहे थे, तो एक रात में ही पूरा करने का संकल्प लिया था, पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए आज भी अधूरा है। तो इससे इतना ही याद रखना है, जो भी काम काम की जानकारी मैंने बताया। आगे बात करेंगे अपन सास बहु मंदिर, जिसे सहस्त्र बहु मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सहस्त्र बहु। तो एक सहस्त्र बहु मंदिर दोस्तों कहाँ पे? उदयपुर में भी है, राजस्थान के उदयपुर में भी है, याद रखना है, राजस्थान के उदयपुर में भी है यही नाम का एक मंदिर, और एक मंदिर यही नाम का अपने मध्य प्रदेश में भी है कि नहीं। तो अब बात करते हैं अपन अपने वाले मध्य प्रदेश की। तो सहस्त्र बहु मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर, ग्वालियर क्षेत्र में स्थित 11वीं शताब्दी में निर्मित हिंदू मंदिर है दोस्तों। यहाँ विष्णु के पद्मनाथ रूप में समर्पित है दोस्तों, यहाँ भगवान विष्णु के पद्मनाथ
रूप में समर्पित है और ग्वालियर के किले के समीप स्थित है। ग्वालियर के किले के समीप स्थित है और यह विष्णु के पद्मनाथ रूप में समर्पित है। ग्वालियर के किले के समीप स्थित है। इसमें मिले शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण कच्छपात्र राजा राजवंश के राजा कच्छ घात राजवंश के राजा महिपाल ने 1093 में करवाया था। 1093 में करवाया था। 1093 में करवाया था, है ना। तो वही तो लिखा हुआ है, देखो जो बताया मैं। यह मंदिर ग्वालियर के किले में स्थित है। विष्णु के पद्मनाथ रूप में समर्पित है। इसका निर्माण कच्छ घात राजवंश के राजा महिपाल ने 1093 में करवाया था। दोस्तों किसने करवाया था? महिपाल ने। इसे सहस्त्र बहु मंदिर या सास बहु मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, इतना याद रखना है। आगे बात करेंगे अपन 52 गज की विशाल प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों पहले गज होता था कि नहीं, एक गज दो गज वैसा, 52 गज है। 52 गज की विशाल प्रतिमा स्थापित है दोस्तों बड़वानी में। 52 गजा के नाम से प्रसिद्ध है। जैन धर्म से संबंधित यह मंदिर बड़वानी जिले में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बासे बड़वानी, बासे याद रखना, 52 गजा। सतपुड़ा श्रेणी की चूलगिरी की पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। चूलगिरी की पहाड़ी पढ़े हैं कि नहीं अपन ने? चूलगिरी की पहाड़ी पढ़े हैं कि नहीं? चूलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? है बड़वानी में। और उसके ऊपर ये मंदिर है जिसका नाम है 52 गजा। और यहाँ पर भगवान आदिनाथ की 84 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। फीट में देखा जाए तो 84 है और उसको 52 गजा बोलते हैं क्योंकि 52 गज की है। हिंदी में गज तो गज की है, इसलिए उसको 52 गजा नाम दिया गया है। तो यहाँ भगवान आदिनाथ की, भगवान आदिनाथ को ही ऋषभ देव कहते थे दोस्तों। भगवान आदिनाथ को ऋषभ देव कहते थे, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए थे ऋषभ देव, उन्हीं को भगवान आदिनाथ के रूप में जाना जाता था, यानी नाम था उनका। तो ये इतना याद रखना है। 52 गजा मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। यहाँ का आकर्षण पहाड़ को काटकर निर्मित किया गया है। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा है ना 12वीं शताब्दी की है, ऐसा बोलते हैं। बड़वानी से 8 किलोमीटर दूर है दोस्तों। 52 गजा चूलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैन तीर्थ केंद्र है, इतना याद रखें, है ना। भगवान आदिनाथ की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है ऐसा माना जाता है ये। और ये यहाँ पे जैन संत कुंभकर्ण और इंद्रजीत ने इस स्थान को ही निर्वाण पाया था। जैन संत जो हुए दोस्तों, एक कुंभकर्ण और एक इंद्रजीत ने इस स्थान से ही निर्वाण पाया था, ऐसा बोलते हैं। समझ में आ गया, इतना याद रखना है। 52 गजा, 52 गजा कहाँ है? डायरेक्ट आता है बड़वानी में। जो भी बताया काम काम की जानकारी सुन लो और समझ लो अच्छे से। पशुपतिनाथ का मंदिर दोस्तों, तो पशुपतिनाथ का मंदिर है ना, यह हिंदू मंदिर है दोस्तों। भगवान शिव को पशुपति को समर्पित है दोस्तों। यहां सॉरी सुनो मेरी बात पहले, एक पशुपतिनाथ मंदिर कहां पे दोस्तों? नेपाल के काठमांडू में है। एक पशुपतिनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर नेपाल के काठमांडू में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जो बागमती नदी के पास काठमांडू में स्थित है। कौन सी नदी? बागमती। बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है एक नदी किनारे नेपाल में काठमांडू में स्थित है जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ साथ पुराना मंदिरों में भी एक गिना जाता है, पशुपतिनाथ का मंदिर जो नेपाल के काठमांडू में। अब वही नाम का मंदिर अपने मध्य प्रदेश में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पशुपतिनाथ का मंदिर। यह पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में सीवना नदी के किनारे
आगर मालवा जिले में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों बैजनाथ महादेव मंदिर। बैजनाथ महादेव मंदिर दोस्तों आगर मालवा जिले के सुसनेर रोड पर है, उज्जैन कोटा रोड जो है वहां पर बैजनाथ महादेव मंदिर आगर मालवा जिले का प्रमुख आकर्षण एवं धार्मिक स्थलों में से एक है। भारत का एकमात्र मंदिर है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था दोस्तों, इसको भारत का एकमात्र मंदिर है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था, अंग्रेज एक अंग्रेज ने बनवाया था है ना। बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, इसका निर्माण 1528 से शुरू हुआ था और 1536 तक के चला था। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 50 फीट है दोस्तों। तो इसकी कहानी है, ब्रिटिश जोड़े ने बनवाया था, ब्रिटिश कपल ने बनवाया था दोस्तों इस मंदिर को। कैसे कैसे बनवाया था, तो क्या हुआ था दोस्तों आपको बता दूं कि पहले इसको पढ़ लेता हूं फिर बताऊंगा। यह मंदिर आगर मालवा जिले के बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर एकमात्र मंदिर है जिसे अंग्रेज ने बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्वार कर्नल मार्टिन ने वर्ष 1883 में करवाया था, यानी जीर्णोद्वार कर्नल मार्टिन ने करवाया था। तो आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। तो दोस्तों एक ब्रिटिश गवर्नर था दोस्तों जो आगर मालवा जिला जो था उधर साइड नियुक्त था है ना, वहां पे तैनात था, मालवा क्षेत्र में तैनात था। तो एक बार अफगानों के खिलाफ लड़ाई लड़ने गया दोस्तों, अफगानों के खिलाफ लड़ाई करने गया यही कर्नल मार्टिन, अफगानों के खिलाफ लड़ाई लड़ने गया। अब उसकी घरवाली घर में थी, उसकी जो पत्नी घर में थी, तो उसको पता चला लड़ाई लड़ने गया। तो इसने जब देखी दोस्तों उसने कि वहाँ पे अफगान लोग बहुत बहादुर थे और ये हारने लगा था, तो ये हारने लगा था, तो इसने प्रार्थना करी थी भगवान शिव को कि मैं महादेव मंदिर एक निर्माण करवाऊंगी, अगर मेरे पति जीतते हैं तो मैं महादेव मंदिर का निर्माण करवाऊंगी। तो उसका पति जो है कर्नल मार्टिन दोस्तों जीत जाता है, और जीत के आता है तो दोनों पति पत्नी मिलके निर्माण करवाते हैं दोस्तों। इसीलिए बोला गया है इस मंदिर का निर्माण अंग्रेजों द्वारा कराया गया था है ना। तो सीमा के तो क्या नाम था उसकी पत्नी का, चिंतित पत्नी नहीं, वो चिंतित थी इसलिए करवाई थी ये बोल रहा हूं। उसकी पत्नी का नाम क्या था, याद नहीं आ रहा है, उसकी पत्नी का नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन तो उसका नाम था, उसकी पत्नी का नाम था, उसकी पत्नी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखना कर्नल मार्टिन और उसकी पत्नी ने करवाया था अंग्रेजों द्वारा। बैजनाथ महादेव मंदिर कहां पर है, आगर मालवा जिले में बाणगंगा नदी के किनारे, ये पूछा जा सकता है। चिंतामन गणेश मंदिर दोस्तों है ना, तो सीहोर का चिंतामन गणेश मंदिर बहुत ही खास है दोस्तों। 2000 साल पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी इसकी स्थापना, 2000 साल पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी इसकी स्थापना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है दोस्तों ये, गणेश उत्सव भी मनाया जाता है धूमधाम से यहां पे, और है ना तो क्या देखो, सीहोर में चिंतामन सिद्धपुर गणेश मंदिर नाम है इसका पूरा, चिंतामन सिद्धपुर गणेश मंदिर। इसका निर्माण का श्रेय विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। बाजीराव पेशवा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था फिर से, निर्माण करवा के मरम्मत और जीर्णोद्वार करवाया था अच्छे जबरदस्त तरीके से है ना, पेशवा बाजीराव के द्वारा नवनिर्मित किया गया था, इसको फिर से बनाया गया था। तो ये इससे इतना याद रखने की बनती है अपने को बस है ना, इतना याद रखने की बनती है। चार मूर्ति है यहाँ पे दोस्तों, चिंतामन गणेश मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है ना, इसके दर्शन मात्र से ही शरीर मनुष्य की सारी चिंता दूर हो जाती है, इसीलिए उसका नाम है चिंतामन, चिंता को दूर करने वाले मंदिर है ये, जो चिंता रहती है शरीर में है ना, जो मन में जो चिंता है चिंता को दूर करने वाला मंदिर है। इससे दर्शन मात्र से ही मनुष्य की चिंता डर स्ट्रेस सब खत्म हो जाता है और इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। इसके दर्शन करने से भक्त खाली हाथ नहीं लौटता दोस्तों, कुछ ना जो भी इंपॉर्टेंट बात रहेगी यही बताऊंगा मैं धमाकेदार तरीके से। वीडियो को बिल्कुल गौर से ध्यान से सुनना दोस्तों। मध्य प्रदेश के मंदिर देखेंगे हम एक नजर में है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन महाकाल की नगरी उज्जैन की दोस्तों।
है ना, जिला उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन की। यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर है दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर मंदिर। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में, जिसमें से दो ज्योतिर्लिंग अपने मध्य प्रदेश में, एक तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में है और दूसरा है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो खंडवा में है। तो दो ज्योतिर्लिंग अपने मध्य प्रदेश में है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। महाकालेश्वर मंदिर दोस्तों है ना, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, उज्जैन में स्थित है, या भगवान शिव का पवित्र मंदिर है। यहाँ पर दोस्तों भस्म आरती भी होती है, आपको पता होगा ना, भस्म आरती जो मुर्दा की ताजी राख से सुबह के समय भस्म आरती की जाती है दोस्तों, है ना। समय समय पर थोड़े बहुत बदलाव भी किए गए हैं, तो भस्म आरती देखने जाते हैं लोग सुबह, बहुत श्रद्धालु जाते हैं। तो महाकाल की नगरी, महाकालेश्वर मंदिर डायरेक्ट पूछेगा, इसके बारे में मैंने इधर आगे आपको बता दिया था। दक्षिणमुखी मंदिर है दोस्तों, है ना, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसा एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। काल भैरव मंदिर की बात करेंगे अपन, काल भैरव मंदिर, तो काल भैरव मंदिर का बाबा काल भैरव, बाबा काल भैरव को उज्जैन के रक्षक माने जाते हैं दोस्तों। काल भैरव को, बाबा काल भैरव को उज्जैन के रक्षक माने जाते हैं, उज्जैन, उज्जैन के रक्षक, है ना, उज्जैन के रक्षक, और उज्जैन के रक्षक भी बोल सकते हैं इनको, और इनको ये भी बोल सकते हैं शहर के संरक्षण यानी उज्जैन के रक्षक के देवता काल भैरव को समर्पित है यह मंदिर। क्षिप्रा नदी के तट पर यह मंदिर बसा हुआ है दोस्तों, है ना। तो ये मंदिर के दर्शन करने जब लोग जाते हैं तो शराब चढ़ाते हैं दोस्तों, प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है ना, जो भी दर्शन करते हैं तो शराब चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाई जाती है और अन्य चार यानी शराब चढ़ाई जाती है, इतना याद रखना। बहुत ही चमत्कारी और पवित्र और सत्य वाला मंदिर है दोस्तों, काल भैरव मंदिर, है ना। काल भैरव देवता हुए, एक देवता हुए थे काल भैरव, तो उनका मंदिर है दोस्तों ये काल भैरव मंदिर, है ना। काल भैरव मासिक प्रकृति के देवता माने जाते हैं दोस्तों, इसलिए उन्हें मदिरा यानी शराब का भी भोग लगाया जाता है। काल भैरव को शिव का रुद्र रूप भी कहा जाता है, काल भैरव को भगवान शिव का रुद्र रूप भी कहा जाता है। ये महाकाल के सेनापति के तौर पर विराजमान है, यहाँ पर महाकाल के सेनापति के तौर पर यहाँ विराजमान है दोस्तों। बात करेंगे, ऐसी क्वेश्चन आता है काल भैरव मंदिर कहाँ पर है उज्जैन में। हरि सिद्धि मंदिर दोस्तों राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी है, हरि सिद्धि मंदिर कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हरि सिद्धि मंदिर कहाँ है पूछेगा, हरि सिद्धि मंदिर कहाँ है, उज्जैन में है दोस्तों, उज्जैन में, है ना। ये राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी थी। द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर दोस्तों कहाँ पर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर कहाँ पर है, उज्जैन में है। इसका निर्माण बायजी शिंदे द्वारा करवाया गया था, बायजी शिंदे डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, बायजी शिंदे के द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया था, हरि सिद्धि मंदिर। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हरि सिद्धि मंदिर कहां पर है उज्जैन में, जिसका निर्माण बायजी शिंदे के द्वारा निर्मित किया गया था। चिंतामन गणेश मंदिर डायरेक्ट पूछा जाता है कहां पर है, उज्जैन में। चिंतामन गणेश मंदिर कहां पर, किस जिले में पूछेगा क्वेश्चन। मंगलनाथ मंदिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मंगल ग्रह को समर्पित मंदिर है ये, है ना। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर यानी मंगल ग्रह की उत्पत्ति इस मंदिर से हुई है, ऐसा माना जाता है। मंगलनाथ मंदिर डायरेक्ट पूछा जाता है कहाँ पे, उज्जैन में। और मंगलनाथ मंदिर के बीचों बीच से ही कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री खींची गई अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश के 14 जिले और भारत के 8 राज्यों से गुजरी है, तो वो इस मंदिर के बीचों बीच से गुजरती है, है ना, इस मंगलनाथ मंदिर के बीचों बीच से गुजरती है। और ये मंगलनाथ मंदिर में ही वारा मिहिर रहा करते थे दोस्तों का जन्म उज्जैन में हुआ था, याद रखना है, उज्जैन के कायथा में हुआ था वारा मिहिर का जन्म, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मंगलनाथ मंदिर के बाद गढ़कालिका मंदिर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कालिदास की आराध्य देवी रही है ये गढ़कालिका मंदिर। गढ़कालिका मंदिर कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। गढ़कालिका मंदिर उज्जैन में है, कालिदास की आराध्य देवी रही है। इसके बाद है श्री राम जनार्दन मंदिर, राम जनार्दन मंदिर कहाँ पे पूछेगा, उज्जैन में, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। राम जनार्दन मंदिर कहाँ है, ऐसी क्वेश्चन आ सकता है, राम जनार्दन मंदिर कहाँ पर है, जनार्दन मंदिर उज्जैन में है। तो उज्जैन महाकाल की नगरी जो उज्जैन है दोस्तों, वहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है, काल भैरव मंदिर इंपॉर्टेंट है, एक और है नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, यहाँ नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ बोल के, नाग चंद्रेश्वर मंदिर दोस्तों। ये मंदिर साल में एक ही दिन खुलता है, पूजा पाठ करते हैं और फिर बंद कर देते हैं साल भर के लिए। इसका नाम है नाग चंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन में। संदीपनी आश्रम यहीं पे है दोस्तों, संदीपनी आश्रम कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उज्जैन में, है ना। संदीपनी आश्रम यहीं पे भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, संदीपनी आश्रम में। द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर तो बता दिया, यहीं पे लिखा हुआ है ना। उसके अलावा
चिंतामन गणेश मंदिर, द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर बता दिया, चिंतामन गणेश मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा गणेश मंदिर भी उज्जैन में है ना, 24 खंबा मंदिर भी है दोस्तों एक, है ना, 24 खंबा मंदिर, 24 खंबा मंदिर, 24 खंबा मंदिर दोस्तों। उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर, उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहते हैं, है ना। तो 24 योगिनी मंदिर, 24 खंबा मंदिर, मंगलनाथ मंदिर बता दिया, वारा मीर रहा करते थे वहाँ पे, वारा मीर का जन्म कायथा में हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे है चार धाम मंदिर भी है एक, और हरि सिद्धि मंदिर और जगदम्बा मंदिर इंपॉर्टेंट है, इतने मंदिर यहाँ के इंपॉर्टेंट है। महाकाल की नगरी उज्जैन, और उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। बात करेंगे अपन अब खजुराहो की, खजुराहो आता है छतरपुर में। अब बात करते हैं अपन खजुराहो की दोस्तों, तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था, समय समय पर अलग अलग चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इसका निर्माण चंदेल शासक पूछा जाता है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा 950 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी के मध्य करवाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लगभग 85 मंदिर थे दोस्तों, यहाँ पे पहले 85 मंदिर का समूह हुआ करता था, 85 मंदिर का, वर्तमान में 22 मंदिर ही शेष बचे हैं, वर्तमान में 22 ही मंदिर अस्तित्व में है, शेष बसे हैं। इस मंदिरों की खोज TS वार्ट ने की थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, खजुराहो के मंदिरों की खोज TS वार्ट है या बार्ट ऐसा लिखा रहता है, वार्ट या बार्ट ने की थी। तीन समूह में बटा हुआ है दोस्तों यहाँ के जो मंदिर है, तीन समूहों में बटा हुआ है, जो आगे हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, है ना, तीन समूहों में बटा हुआ है। तो यहाँ का सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, डायरेक्ट पूछता है लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अपने को बताना है जिसे खजुराहो में करके बस काम खत्म, है ना। लक्ष्मण मंदिर के बाद कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, इसका निर्माण विद्याधर ने करवाया था। पार्श्वनाथ जैन मंदिर दोस्तों, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है ना, चित्रगुप्त मंदिर यहीं पे है, 64 योगिनी मंदिर यहाँ भी है और मुरैना में भी है, 64 योगिनी मंदिर यहाँ भी है और मुरैना में भी है। चतुर्भुज मंदिर है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मांगतेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा जी का एक मंदिर है जिसे ब्रह्म मंदिर कहते हैं, जावरी का मंदिर है एक, जावरी मंदिर कहते हैं, आदिनाथ जैन मंदिर भी है दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर भी है दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर, घटाई मंदिर भी है, दूल्हादेव मंदिर भी है, और वाराह मंदिर है, इतने मंदिर है दोस्तों खजुराहो में, है ना। तीन समूह में बांटा गया, समूह को अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, समूह को अपन आगे पढ़ेंगे, इतना आपको जानकारी के लिए बता दिया। खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को में भी शामिल किया गया था 1986 में, है ना, 1986 में मध्य प्रदेश के तीन स्थल शामिल है जिसमें से एक है ये, यूनेस्को में भी शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है खजुराहो के मंदिर, है ना, इतना याद रखना है, फिर आगे अपन जब बताऊंगा अच्छे से देखेंगे, ये पूरे याद रख लेना है। आदिनाथ मंदिर कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, आदिनाथ मंदिर कहाँ है, इनका निर्माण किसने करवाया, सब आगे बताऊंगा अच्छे से डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि इस जिले में खजुराहो से बता दिया काम काम का। इंदौर की बात करते हैं, इंदौर खजराना गणेश मंदिर इंपॉर्टेंट है इंदौर में, इंदौर में खजराना गणेश मंदिर इंपॉर्टेंट है बता दिया था। बड़ा गणपति मंदिर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है ये, गणेश जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है बड़ा गणपति मंदिर इंदौर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कांच का मंदिर पूछा जाता है, जैन धर्म से संबंधित है, कांच का मंदिर पूछा था एक बार परीक्षा में, कहाँ पे है, इंदौर में है, याद रखना है। जैनों का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, जैनों का मंदिर है इसलिए कांच से बना हुआ है, इसलिए उसको कांच का मंदिर भी बोलते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है, इंदौर में इंपॉर्टेंट है, अन्नपूर्णा मंदिर ये भी पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है, अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है इंदौर में। ओरछा की बात करते हैं, ओरछा आता है निवाड़ी में, यहाँ पे राम राजा मंदिर है दोस्तों जिसे राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा में है इंपॉर्टेंट है, और चतुर्भुज मंदिर कई जगह है दोस्तों, एक यहाँ पे भी था, देखो ये लिखा हुआ था अभी, देखो ये है ना, नहीं सॉरी चतुर्गुप्त है, तो चतुर्भुज मंदिर ये है ना ओरछा में, तीन जगह है समझ, तीन इंपॉर्टेंट है, राम राजा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर ओरछा में है। चित्रकूट की बात करते हैं, चित्रकूट आता है दोस्तों सतना में, यहाँ पे भरत मिलाप मंदिर है, यहाँ भरत का मिलाप हुआ था राम भगवान से, इसलिए वहाँ एक मंदिर बनाया गया है जिसका नाम है भरत मिलाप मंदिर, है ना। कामतानाथ मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, चित्रगुप्त में, चित्रकूट में, चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ पे कामतानाथ मंदिर है, स्फाटिक शिला भी है दोस्तों यहाँ पे, स्फाटिक शिला और सीता रसोई यहीं पे पूछा जा सकता है, स्फाटिक शिला और सीता रसोई कहाँ है, डायरेक्ट पूछेगा ये चित्रकूट में, इतना इंपॉर्टेंट है। भरत मिलाप मंदिर, उसके बाद कामतानाथ मंदिर, स्फाटिक शिला और सीता रसोई कहाँ पे, चित्रकूट में, सतना में आता है, याद रखना है।
मैहर की बात करेंगे, मैहर क्यों प्रसिद्ध है, तो संगीत के लिए। और यहाँ शारदा माता का भव्य मंदिर है, गोला मठ भी यहीं पे है दोस्तों, गोला मठ मंदिर शिव को समर्पित एक नागर शैली का निर्मित मंदिर है। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में मनाए जाते थे, तो गोला मठ शिव को समर्पित, गोला मठ याद रखना है, पूछा जा सकता है कहाँ है मैहर में। ओइला मंदिर, ओइला मंदिर भी है यहाँ पे, ओइला मंदिर। और भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर भी कहाँ पे, मैहर सतना में। भूमरा का शिव मंदिर और ओइला मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, इतने मंदिर मैहर में, मैहर के इंपॉर्टेंट है। विदिशा की बात करते हैं, विदिशा में है दोस्तों उदयेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है। माला देवी मंदिर ग्यारसपुर में है, विदिशा में माला देवी मंदिर। बीजा मंडल बीजा मंदिर विदिशा में है। हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ है दोस्तों, जिसे खंबा बाबा के रूप में वहाँ की स्थानीय भाषा में जाना जाता है, हेलियोडोरस है ना। और दस अवतार मंदिर भी यहीं पे है विदिशा में। तो विदिशा के इतने मंदिर इंपॉर्टेंट है, उदयेश्वर मंदिर, माला देवी मंदिर जो ग्यारसपुर में है, बीजा मंडल विजय मंदिर, और हेलियोडोरस का जो स्तंभ है ना, जिसे बाबा खंबा बोलते हैं। दस अवतार मंदिर भी विदिशा में है, इतना समझ में आ गया। दतिया को लघु वृंदावन भी, छोटा वृंदावन भी बोलते हैं दोस्तों, दतिया को लघु वृंदावन भी बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ है, दतिया में है, जैन तीर्थ स्थल है। उनवन का सूर्य मंदिर, उनवाव का सूर्य मंदिर, एक सूर्य मंदिर यहाँ पे है दोस्तों, और एक सूर्य मंदिर तो उड़ीसा में है, कोणार्क में है कि नहीं। उसके अलावा पीताम्बर पीठ स्थित है यहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पीताम्बर पीठ कहाँ स्थित है, दतिया में। अमरकंटक की बात करेंगे, अमरकंटक को तीर्थराज के रूप में भी जाना जाता है, तीर्थराज कहते हैं। यहाँ पे कर्ण मंदिर इंपॉर्टेंट है, कबीर चबूतरा इंपॉर्टेंट है, पातालेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदा कुंड स्थित है जहाँ से नर्मदा नदी निकली है, और केशव नारायण मंदिर, श्री यंत्र मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, श्री यंत्र मंदिर। और माई की बागिया परीक्षा में आया एक बार, माई की बागिया, और ज्वालेश्वर महादेव मंदिर, ज्वालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे, ये अमरकंटक में याद रखना है। इतना समझ में आया जो बताया मैंने, ये नाम याद रखना है दादा, पहले ही बता रहा हूँ, कबीर चबूतरा कहाँ है, माई की बागिया कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं जबलपुर की, जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट में स्थित है दोस्तों, भेड़ाघाट जहाँ धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर है ना, वहीं 64 योगिनी मंदिर इंपॉर्टेंट है। 64 योगिनी मंदिर दो तीन जगह है मध्य प्रदेश में, है कि नहीं, दो तीन जगह है, तीनक जगह है, 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर। यहाँ पे गौरीशंकर मंदिर भी है, त्रिपुरी मंदिर भी है, और विष्णु मंदिर भी है तिगवा में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तिगवा का विष्णु मंदिर पूछा जाता है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था एक बार कि तिगवा का मंदिर कौन से भगवान का है, तो विष्णु भगवान का प्राचीन भव्य मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है दोस्तों है ना, और तिगवा का बहुत प्राचीन मंदिर है। तिगवा जबलपुर के पास है, तो कटनी जिले में आता है वैसे तो, वर्तमान में जबलपुर कटनी बॉर्डर पे है, तो तिगवा है ना, तिगवा का विष्णु मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, गौरीशंकर मंदिर, त्रिपुरी मंदिर, और ये क्या नाम है, विष्णु मंदिर तिगवा का, ये याद रखना है जबलपुर में। सीहोर की बात करते हैं, चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर कहाँ पे, सीहोर में, बताया था मैंने अभी, चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर, यहाँ दर्शन करने से चिंता दूर हो जाती है ना। और बिजासन माता मंदिर डायरेक्ट सलकनपुर में, बिजासन विंध्यवासिनी बिजासन माता मंदिर कहाँ पे, सलकनपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्ट पूछा जाता है कहाँ पे करके। मंदसौर में है अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर, आठ मुँह है उसके, अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर सीवना नदी के तट पर स्थित है। धर्म राजेश्वर मंदिर जो है सीतामऊ में स्थित है दोस्तों, सीतामऊ मंदसौर में आता है, सीतामऊ मंदसौर धर्म राजेश्वर मंदिर है ना। कुंडेश्वर जैन मंदिर इंपॉर्टेंट है, कुंडेश्वर जैन मंदिर मंदसौर में है। और हिंगलाजगढ़ मंदिर ये भी इंपॉर्टेंट है मंदसौर में, हिंगलाजगढ़ मंदिर कहाँ है, मंदसौर में है ना। तो मंदसौर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है पशुपतिनाथ मंदिर, धर्म राजेश्वरी मंदिर सीतामऊ में, कुंडेश्वर जैन मंदिर है, और हिंगलाजगढ़ मंदिर। ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर है, सहस्त्रभुज मंदिर, और तेलिका मंदिर है, तेलिका मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है। चतुर्भुज मंदिर और सहस्त्रभुज मंदिर ये तीन मंदिर इंपॉर्टेंट है यहाँ के, जो पूछा गया कई बार, चतुर्भुज मंदिर, सहस्त्रभुज मंदिर और तेलिका मंदिर डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना है। मुरैना में मितावली नामक स्थान और पदावली नामक स्थान पर एक मंदिर है जिसका नाम बाटेश्वर मंदिर, बटेश्वर मंदिर दोस्तों। इन मंदिर के समूह को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, पूछा जा सकता है कौन से मंदिर को, बटेश्वर मंदिर को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इतना याद रखना है अपने को है ना। इस मंदिर को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, बटेश्वर मंदिर को। आगर मालवा का एक इंपॉर्टेंट मंदिर है चिंताहरण गणेश मंदिर दोस्तों, यहाँ भी दर्शन करने से चिंताहरण हो जाती है। रानी सती दादी का मंदिर भी इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, आगर मालवा में। आगर मालवा के दो मंदिर इंपॉर्टेंट है, चिंताहरण गणेश मंदिर और रानी सती दादी का मंदिर, डायरेक्ट पूछे हुआ क्वेश्चन, रानी सती दादी का मंदिर का है आगर मालवा में। पन्ना का इंपॉर्टेंट है नाचना कुठार पार्वती माता मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, पार्वती माता का मंदिर है दोस्तों, नाचना
कुठार मंदिर ऐसा पूछेगा, कौन सी माता का है, पार्वती माता का है ना। और प्राणनाथ का मंदिर इंपॉर्टेंट है, पासे प्राणनाथ और पासे पन्ना दोस्तों, है ना। ये कई बार उज्जैन ऑप्शन देता है जब पूछता है, तो प्राणनाथ का मंदिर कहाँ है, तो पन्ना में है, बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, गड़बड़ नहीं करना है। प्राणनाथ का मंदिर कहाँ है, पन्ना में, और नचना कुठार पार्वती माता मंदिर पन्ना में। इतने मंदिर है जो डायरेक्ट जिले के नाम देके पूछता है, पूरे इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनमें से ही आते हैं पेपर में, समझ में आया, इनको याद रखना है बस जो बताया मैं। बात करते हैं अब यहाँ पे कुछ बॉक्स बना के दिए हुए हैं तो उनको दोस्तों, हिंगलाज मंदिर इंपॉर्टेंट है, हिंगलाज मंदिर आगे चलते हैं अपन इसके देखेंगे। अब मध्य प्रदेश में दो मंदिर है दोस्तों हिंगलाज मंदिर, एक मंदिर मंदसौर में है और दूसरा मंदिर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसके अलावा हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, एक प्रांत का नाम है, राज्य का नाम है, बलूचिस्तान प्रांत में है दोस्तों, हिंगोल नदी के तट पर। यानी कि हिंगलाजगढ़ माता मंदिर जो है तीन मंदिर है, है ना, जिसमें से एक है कहाँ पे, मंदसौर में। अपना मंदसौर वाला पूछा जा सकता है कि हिंगलाजगढ़ माता मंदिर किस जिले में, मंदसौर ऑप्शन देगा तो मंदसौर लगाना है, छिंदवाड़ा ऑप्शन देगा तो छिंदवाड़ा लगाना है, दोनों ऑप्शन नहीं देते कभी, है ना, और दोनों देगा तो फिर वो ए और बी दोनों देगा। और एक हिंगलाजगढ़ माता मंदिर कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। भगवान सूर्य से संबंधित मंदिर देखते हैं तो सागर में एक है रे हल्ली का मंदिर, ये सूर्य भगवान का मंदिर है। ग्वालियर में भी है एक सूर्य मंदिर, है ना, मंदसौर में भी है, दतिया में भी है, दतिया के उन्नाव में भी है दोस्तों सूर्य मंदिर। सबसे पुराना मंदिर है दतिया का उन्नाव वाला जो सूर्य मंदिर है वो। आधा सूर्य मंदिर नेमावर देवास में है दोस्तों, आधा सूर्य मंदिर नेमावर देवास में है, सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर है इतने, है ना, जिसमें से एक कौन सा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, यहाँ से दतिया वाला, दतिया वाला सबसे पुराना जो है ये पूछा जाता है। एक सूर्य मंदिर ग्वालियर में भी है, मंदसौर में भी है, दतिया में भी है, तो सूर्य मंदिर इतनी जगह है। आधा सूर्य मंदिर का है नेमावर देवास में आता है, तो सूर्य मंदिर वाला देख लो, काम खत्म। भगवान विष्णु से संबंधित मंदिर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर में है, खजुराहो में है, धार में है, ओरछा में स्थित है। मैंने बताया था ना चतुर्भुज मंदिर कई सारी जगह है, तो कहाँ कहाँ है, ग्वालियर में भी है, खजुराहो में भी है, धार में भी है, ओरछा में भी स्थित है। तो ग्वालियर में भी है, धार में भी है, ग्वालियर में भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ग्वालियर में, धार में है, खजुराहो में, ओरछा में, चतुर्भुज मंदिर, चार भुजा है उनके, भगवान विष्णु का मंदिर है जिसके चार भुजा है, इसलिए उसको चतुर्भुज मंदिर बोलते हैं। भगवान गणेश से संबंधित मंदिर देखते हैं अपने तो चिंतामण गणेश मंदिर उज्जैन में है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। खजराना गणेश मंदिर कहां पर है, इंदौर में है। चिंतामण गणेश मंदिर एक और है, चिंता हरण या चिंतामण सीहोर में, और चिंता हरण गणेश मंदिर ये आगर मालवा में। तो इतने मंदिर है भगवान गणेश के, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है अपने को, याद रखना है। चिंतामण वाला कहाँ है, उज्जैन में, खजराना कहाँ है, इंदौर में, चिंतामण कहाँ है, सीहोर में, चिंता हरण गणेश मंदिर है आगर मालवा में, ये वही लिखा हुआ है, जय गणेश भगवान, है ना। यहाँ पे बात करते हैं अपन शिव भगवान से संबंधित मंदिर, तो देखो भगवान शिव से संबंधित एक नीलकंठ मंदिर है दोस्तों, नीलकंठ मंदिर मांडू में, मांडू आता है धार में। गोलामठ सतना में है, जो भगवान शिव का मठ है गोलामठ, है ना। भोजपुर मंदिर रायसेन में, जिसे उत्तर का सोमनाथ भी कहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। गौरीशंकर मंदिर कहाँ है, डायरेक्ट पूछता है, जबलपुर में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, खजुराहो में। इतने मंदिर है दोस्तों, ये याद रखना है, भगवान शिव, है ना, जय भोलेनाथ, है ना। तो याद रखना है नीलकंठ मांडू में है, गोलामठ भूमरा सतना में है, भोजेश्वर रायसेन वाला है, मध्य भारत या पूर्व का सोमनाथ, गौरीशंकर मंदिर जबलपुर में, भगवान शिव के मंदिर है। माता के मंदिर देखेंगे, देवी माता के, है ना, जय माता दी। तो मध्य प्रदेश में देवी माता से संबंधित मंदिर कौन से देखते हैं, तो चामुंडा माता मंदिर कहाँ है, देवास में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चामुंडा माता मंदिर कहाँ पे, देवास में, चामुंडा माता मंदिर देवास में। बिजासन देवी माता मंदिर सलकनपुर में है, विंध्यवासिनी बिजासन माता मंदिर बोलते हैं उसको। चांडी देवी का मंदिर कहाँ है, सीधी में। शारदा माता मंदिर मैहर में है। जागेश्वरी देवी मंदिर चंदेरी अशोकनगर में है, इंपॉर्टेंट है, जागेश्वरी माता मंदिर चंदेरी अशोकनगर। पीताम्बरा देवी मंदिर ये दतिया में है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पीताम्बरा देवी मंदिर। इतने मंदिर है कहाँ, किसके इतने मंदिर है अपना, देवी माता के, है ना। चामुंडा माता मंदिर देवास में है, बिजासन माता मंदिर, चांडी देवी माता मंदिर, शारदा माता का मंदिर, पीताम्बर देवी और जागेश्वरी देवी, ये माता मंदिर है, जय माता दी, याद रखें, है ना, जो बताया। आगे देखते हैं अब खजुराहो के मंदिरों को देखेंगे। यहाँ पे तीन समूह में बांटा गया था, मैंने बताया तीनों समूह के बारे में बताता हूँ कौन से। दोस्तों आगे हम बात करेंगे खजुराहो के मंदिर, थोड़ा सा क्लीन नहीं दिख रहा है दोस्तों, पीडीएफ बनाने में गड़बड़ हो गया है ना, तो अब फिर से भी नहीं बना सकता, इसीलिए इसी में एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। तो बात करते हैं अपन खजुराहो के मंदिर की, तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। यहाँ पर 85 मंदिरों का समूह था, वर्तमान में 22 मंदिर अस्तित्व में है। इन मंदिरों की खोज टी एस बर्ट ने की थी, पूछा जा सकता है इस मंदिरों की खोज किसने की थी, टी
एस नाम था उसका, बर्ट, टी एस बर्ट, यानी एक ब्रिटिश इंजीनियर था, 1838 में टी एस बर्ट ने की थी। ये समूह, ये मंदिरों को तीन समूह में बांटा गया है और 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य के हैं, 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य के हैं और इस मंदिरों को तीन समूह में बांटा गया है। एक तो है दोस्तों पश्चिम तरफ, तो पश्चिमी समूह के मंदिर बोलते हैं, एक तो है पूर्वी समूह के मंदिर और दूसरा है दक्षिणी समूह के मंदिर दोस्तों, है ना, समझ में आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पूर्वी समूह के मंदिर। पूर्वी समूह में दोस्तों कौन से मंदिर है, एक तो है पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर दोस्तों, इसका निर्माण राजा घंग ने करवाया था, राजा घंग देव ने करवाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर दोनों का निर्माण राजा घंग ने करवाया था। आदिनाथ मंदिर है दोस्तों, जावरी मंदिर है और शांतिनाथ मंदिर है और घटाई मंदिर है ना, और घटाई मंदिर है, ये पूर्वी समूह में इतने मंदिर है और इसके अलावा भी है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो है क्या पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, जावरी मंदिर, शांतिनाथ मंदिर और घटाई मंदिर, ये पूर्वी समूह के मंदिर है। दक्षिणी समूह में है दोस्तों दूल्हादेव मंदिर, इंपॉर्टेंट है, दूल्हादेव मंदिर है, इसका निर्माण मदन वर्मन ने करवाया था। जिनका निर्माण मैं बता रहा हूँ उन्हीं का परीक्षा में अभी तक के आया, इसीलिए उनको ही बता रहा हूँ, हर किसी का याद रखने की जरूरत नहीं है। मदन वर्मन ने करवाया था दूल्हादेव मंदिर, दक्षिणी समूह का मंदिर है, इसका निर्माण मदन वर्मन ने करवाया था। चतुर्भुज मंदिर इंपॉर्टेंट है और वैद्यनाथ मंदिर, ये तीन मंदिर है दक्षिणी समूह में, एक तो है दूल्हादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर, ये तीन मंदिर है। पश्चिमी समूह के मंदिर में देखेंगे कंदरिया महादेव मंदिर, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंदरिया महादेव मंदिर किस समूह में है, पश्चिमी समूह में। कंदरिया महादेव मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, इसका निर्माण विद्याधर ने करवाया था, अपन ने बात कर चुके हैं, इसका निर्माण विद्याधर ने करवाया था, इतना याद रखना है। 64 योगिनी मंदिर यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, महाकाली को समर्पित मंदिर है ये, महाकाली को समर्पित मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, देखो ये लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों लक्ष्मण मंदिर इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण मंदिर को विष्णु मंदिर भी कहते हैं, है ना, यह ब्रह्मा विष्णु महेश के लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है, ये लक्ष्मण मंदिर डायरेक्ट पूछा जाता है कहाँ पर है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशो वर्मन ने करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, यशो वर्मन ने करवाया था लक्ष्मण मंदिर का निर्माण, इसको विष्णु मंदिर भी कहते हैं। चित्रगुप्त मंदिर इंपॉर्टेंट है, सूर्य भगवान को समर्पित है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि सूर्य भगवान का एकमात्र मंदिर कौन सा है खजुराहो में, तो वो है चित्रगुप्त मंदिर, सूर्य भगवान को समर्पित है। मातंगेश्वर मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है दोस्तों, मातंगेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है, भगवान शिव को समर्पित है। विश्वनाथ मंदिर इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण राजा घंग देव ने करवाया था, राजा घंग देव ने करवाया था, है ना, ये ने करवाया था, इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से, खजुराहो को प्राचीन काल में खजूर वाहिका के नाम से जाना जाता था, खजूर वाहिका के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के जो मंदिर है वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, याद रखना है। जैन में भी कौन सा, दिगंबर जैन है ना, दिगंबर जैन से संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ के मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म, वैष्णो धर्म और शैव धर्म, ये तीनों ऑप्शन दे सकता है, तो तीनों से संबंधित है, याद रखना है ना, जैन धर्म, वैष्णो धर्म और शैव धर्म से संबंधित है, तो खजुराहो के मंदिर से इतना ही। और यूनेस्को में भी शामिल है दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला स्थल है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था 1986 में यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। ये मध्य प्रदेश का पहला स्थल था जो शामिल किया गया था। ये खजुराहो के मंदिर जो है दोस्तों बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एक बार, है ना, स्थापत्य कला में अद्भुत उदाहरण है ये खजुराहो के मंदिर, भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है और चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था, विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी मिला हुआ है और बलुआ पत्थर से निर्मित है ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर काहे से बलुआ पत्थर, जो बलुआ पत्थर नहीं होते क्या, बलुआ पत्थर से निर्मित है, इतना याद रखना है। और यहाँ पे जो है दोस्तों बलुआ पत्थर से निर्मित है और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ मैं, यहाँ से ग्रेनाइट के नींव से भी बने हुए हैं और कामुक मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों ये। यहाँ के मंदिर अपनी नागर स्थापत्य शैल और कामुक मूर्तियाँ लगी हुई है मंदिरों के सामने, कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है, कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, है ना, कामुक मूर्तियाँ लगाई बनी हुई हैं पूरी, उसके लिए प्रसिद्ध है, इतना याद रखना है, है ना। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बने हुए हैं कई मंदिर, पूछे जा सकते हैं कौन से इससे बने हुए हैं, आ चुका है एक बार, है ना, बलुआ पत्थर से निर्मित है ना।
और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, और क्या पूछा जा सकता है, ख़त्म इतना ही। हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख मस्जिद व उनकी स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहली मस्जिद है कमाल मौला मस्जिद, ये धार में है। कहाँ है? कमाल मौला मस्जिद ये धार में है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, कमाल मौला मस्जिद कहाँ है? धार में। मुसलमान इस जगह में मस्जिद होने का दावा करते हैं दोस्तों, जबकि हिंदू इसे भोजशाला मंदिर मानते हैं, भोजशाला मंदिर मानते हैं। हिंदू नेताओं के मुताबिक 11वीं सदी में राजा भोज ने संस्कृत के केंद्र के तौर पर भोजशाला का निर्माण करवाया था। भोजशाला के ठीक बाहर ही सटी हुई कमाल मौला दरगाह है, मस्जिद है, इसी के नाम से भोजशाला का पूरा नाम, इसी के नाम से भोजशाला और इसका नाम मिला के सरकार ने क्या रख दिया, भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कर दिया गया है। भोजशाला कमाल मौला कमाल मौला मस्जिद कर दिया गया दोस्तों। तो विवादित मस्जिद होती है, काफ़ी ये चर्चा में रहती है, इसलिए इससे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है। कमाल मौला मस्जिद कहाँ है? धार में है, इतना याद रखें। अगला है लाट मस्जिद दोस्तों, लाट मस्जिद है ना, लाट मस्जिद। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लाट की मस्जिद कहाँ पर है ना, लाट की मस्जिद कहाँ पर है, लाट की मस्जिद कहाँ पर है? लाट मस्जिद है धार में, डायरेक्ट याद रखना है लाट मस्जिद। ये भी इंपॉर्टेंट मस्जिद है, लाट मस्जिद कई बार आ चुका है परीक्षा में, है ना। लाट मस्जिद कहाँ है? धार में है, याद रखना है। दिलावर खां की मस्जिद मांडू में है, यानी दिलावर खां की मस्जिद है ना, दिलावर खां की मस्जिद दोस्तों, दिलावर खां की मस्जिद, दिलावर खां जो दिलावर खां ने बनवाया था, दोस्तों ये जो मंदिर है ना, इसके पहले वाली लाट मस्जिद, ये लाट मस्जिद का निर्माण भी दिलावर खान ने करवाया था, याद रखें। मालवा के पहले सुल्तान दिलावर खान ने करवाया था लाट मस्जिद का निर्माण, है ना। लाट का मतलब होता है लोहा, है ना, इससे नाम लिया गया है। लह के खंभे हैं वहाँ पे, लह के खंभे हैं, इसीलिए उसको लाट बोला गया, लाट। अगला दिलावर खां की मस्जिद दोस्तों, तो 1405 में दिलावर खां द्वारा निर्मित यह मस्जिद मांडू के सबसे पुरानी इस्लामिक संरचनाओं में से एक है दोस्तों। यह उस युग की बात है जब अफगानी जिन इमारतों का निर्माण करते थे, हिंदू वस्तुकला का बहुत प्रभाव बहुत अधिक देखा गया है, उसी टाइम पे मस्जिद बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद है, इंपॉर्टेंट नहीं परीक्षा में आती है, यानी इंपॉर्टेंट ही मस्जिद है, परीक्षा में आते रहती है अली मस्जिद। दिलावर खां की मस्जिद कहाँ है? मांडू में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दिलावर खां की मस्जिद कहाँ है? मांडू में। मालिक मुनीस मस्जिद ये मांडू में है दोस्तों। मालिक मुगीस बोलते हैं, मुगीस या मुगीद भी लिखा हुआ है कई जगह, मुगीद। मालिक मुगीद मस्जिद मांडू शहर में स्थित ऐतिहासिक स्थल है। इस मस्जिद के प्रवेश द्वार के ऊपरी हिस्से के लेख के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण मोहम्मद खिलजी के पिता मलिक मुगीद ने करवाया था। मलिक मुगीद ने करवाया था, इसलिए नाम इसका है मलिक मुगीद, यानी महमूद खिलजी का जो पिता था मलिक मुगीद ने करवाया था दोस्तों। यह मस्जिद मालवा के मुस्लिम वस्तुकला के प्रथम चरण की है। इस मस्जिद के बनने के लिए सामग्री का प्रयोग किया गया था, वो सामग्री सब इस्लामिक इंडो इस्लामिक वाली है। तो समझ में आ गया, ये आ सकता है। मालिक मुगीस बोलते हैं, मुगीस मस्जिद। अगला है जामा मस्जिद दोस्तों, इसी को जामी मस्जिद भी बोलते हैं। जामा मस्जिद को जामी मस्जिद भी कहा जाता है ना। ये मांडू की ऐतिहासिक मस्जिद है। ऐसा माना जाता है कि मुगल वस्तुकला शैली से निर्मित यहाँ मस्जिद होशंग शाह के शासन काल के दौरान बनाई गई थी। किसने बनाया था? होशंग शाह। इतिहास पढ़ा दिया हूँ दोस्तों मैंने पूरा आधुनिक, आप जाके देख सकते हैं ना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जामी मस्जिद को जामा मस्जिद भी कहते हैं, इसका निर्माण होशंग शाह ने मांडू में करवाया था। मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, आनंद की नगरी है ना। बात करेंगे ताजुल मस्जिद की दोस्तों, तो ताजुल मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों, ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद का निर्माण कार्य भोपाल के 8वें शासक शाहजहाँ बेगम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। शाहजहाँ बेगम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, है ना, प्रारंभ हुआ था, लेकिन धन की कमी के कारण इसे पूरी बन के तैयार नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद आने वाला जो शासक था उसने पूरा करवाया था। लेकिन क्वेश्चन अपने को इतना ही पूछा जाता है, ताजुल मस्जिद जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है बैठक व्यवस्था के आधार पर, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है बैठक व्यवस्था के आधार पर ताजुल मस्जिद है ना, ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ बेगम ने करवाया था, याद रखना है, है ना, है ना। ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ बेगम ने करवाया था, याद रखें। ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ बेगम ने करवाया था, भोपाल यानी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है बैठक व्यवस्था के आधार पर। ढाई सीढ़ी मस्जिद भोपाल में है, प्रदेश की यानी एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है दोस्तों। एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है गांधी मेडिकल कॉलेज के समीप ही फतेहगढ़ किले के दुर्ग के बाजू के ऊपर के हिस्से में बनी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण दोस्त मोहम्मद खां द्वारा करवाया गया था दोस्तों। इस मस्जिद का निर्माण ढाई सीढ़ी मस्जिद का निर्माण
दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा करवाया गया था। माना जाता है कि यह मस्जिद भोपाल की प्रथम मस्जिद है। इस मस्जिद में जो दोस्तों जो इस मस्जिद से सादे और साधारण स्थापत्य से निर्मित मस्जिद जो है, इसमें इबादत स्थल तक जाने के लिए केवल ढाई सीढ़ी है, इसीलिए इसका नाम ढाई सीढ़ी मस्जिद रखा गया है। केवल ढाई सीढ़ी बनी हुई है, इसलिए इस मस्जिद का नाम ढाई सीढ़ी मस्जिद रखा गया। माना जाता है कि मस्जिद भोपाल की प्रथम मस्जिद है, जो सबसे छोटी यानी सबसे पहली मस्जिद इसे ही माना जाता है। ढाई सीढ़ी मस्जिद को भोपाल की पहली मस्जिद होने का श्रेय प्राप्त है। इसके अतिरिक्त एशिया की सबसे छोटी मस्जिद भी इसे ही बोलते हैं। मस्जिद के नामकरण की अपनी कहानी है, है ना। तो किसने बनवाया था? दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था। एशिया की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद भोपाल में है, याद रखना है। अगला, बीबी की मस्जिद बुरहानपुर में है दोस्तों, है ना। बीबी की मस्जिद कहाँ है? बुरहानपुर में। बीबी की मस्जिद कहाँ पर है? बुरहानपुर में। बीबी की मस्जिद बुरहानपुर में, इसे जामा मस्जिद भी कहते हैं। बुरहानपुर में जामा मस्जिद भी कहते हैं, जिसका निर्माण फारूक के शासनकाल के बादशाह आदिल शाह फारूकी की बेगम रुकैया ने करवाया था। किसने? बेगम रुकैया ने करवाया था इसका निर्माण। याद रखना है। तो इसका निर्माण फारूकी शासनकाल के बादशाह आदिल शाह फारूकी की बेगम रुकैया ने करवाया था। इस मस्जिद के निर्माण में के समय बुरहानपुर की अधिकांश आबादी उत्तर दिशा में रहती थी, इसलिए इसके मोहल्ला और इसको मस्जिद कहा जाता है। अवतार को इस मस्जिद यानी इसीलिए इसको बीबी का मस्जिद कहते हैं, इतना याद रखें बस। बीबी का मस्जिद कहते हैं इसको, इसीलिए कहते हैं क्योंकि बीबी के लिए करवाया था। आदिल शाह ने अपनी बेगम के लिए करवाया था, इसलिए उसको बीबी की मस्जिद कहते हैं। बुरहानपुर में डायरेक्ट पूछा जाता है किसने करवाया निर्माण? फारूकी शासनकाल के बादशाह आदिल शाह फारूकी की बेगम रुकैया ने करवाया था इसका निर्माण। तो समझ में आ गया, इतनी मस्जिद इंपॉर्टेंट है अपने मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों समझ में आ गया, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद पूछेगा तो ताजुल मस्जिद है यहाँ पे भोपाल में। और दोस्तों भोपाल में ही एक जामा मस्जिद भी है, याद रखना है। भोपाल में एक जामा मस्जिद भी है जो ऊंचाई के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये बैठक व्यवस्था के आधार पर सबसे बड़ी है, और जामा मस्जिद जो है ऊंचाई के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके अलावा भोपाल में एक और मस्जिद है जिसका नाम मोती मस्जिद। भोपाल में एक मोती मस्जिद भी है जिसका निर्माण कुदसिया बेगम की बेटी सिकंदर जहाँ बेगम ने करवाया था, है ना। इतना याद रखें बस। और भोपाल से याद आ रहा है तो एक मंदिर भी याद आ रहा है भोपाल का बिरला मंदिर, या बिरला मंदिर भी बोलते हैं उसको, बिरला मंदिर भी बोलते हैं, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। भोपाल का इंपॉर्टेंट मंदिर है बिरला मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर, है ना। उसके बाद हम देखेंगे अब जैन तीर्थ स्थल। तो अपने मध्य प्रदेश में जो जैन तीर्थ स्थल बने हुए हैं उसको भी अपन देख लेते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बैतूल में, याद रखना है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। मुक्तागिरी अद्भुत तीर्थ है ये, जहाँ पानी की नहीं बल्कि केसर और चंदन की बारिश होती है, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है ना। भारत में जितने भी तीर्थ स्थल है दोस्तों, वहाँ हर अपना अपना अलग महत्व रखते हैं। तो ये भी एक चमत्कारी तीर्थ स्थल है, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल बैतूल में है, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल, बहुत बड़ा है ये, यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं, और मुक्तागिरी नाम से प्रसिद्ध है शहर अपनी सुंदर और बहुत सारी चीज़। और यहाँ पे कुल 52 मंदिर है दोस्तों, 52 मंदिर है इसमें, यहाँ पे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। अपना डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन पूछेगा मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? बैतूल में है, इतना याद रखना है, है ना। अगला है सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल। अगला क्या है? सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल। जैन मंदिर सोनगिरी दतिया के 5 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर बना हुआ मंदिर, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं वहाँ पे, है ना। सोनगिरी जिसका मतलब होता है स्वर्णमिक शिखर में बने हुए हैं सोनगिरी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? दतिया में है, याद रखना है, ट्रिक नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। मुक्तागिरी कहाँ पर है? बैतूल में है। सोनगिरी कहाँ पर है? दतिया में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। मंदिर की अलग अलग मान्यता है ना, पहाड़ी के बीच स्थित है बहुत सारे, 108 मंदिर है दोस्तों सोनगिरी में। सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल जो है वहाँ पे 108 जैन मंदिर है, 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, बताओ, समझे। तो सोनगिरी डायरेक्ट पूछेगा, सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? दतिया में। अगला बात करेंगे गोमटगिरी दिगंबर जैन मंदिर इंदौर में है दोस्तों। गोमटगिरी दिगंबर जैन मंदिर इंदौर का एक जैन मंदिर है। यहाँ मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ी पर जाने के लिए रोड बनी हुई है और सीढ़ी से भी पहुँचा जा सकता है। यहाँ पे जैन धर्म के 24 तीर्थकरों की दर्शन करने के लिए मिलते हैं दोस्तों। तो ये जो गोमटगिरी दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है दोस्तों, यहाँ पे जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हुए हैं उन सभी के दर्शन करने को मिलते हैं यहाँ पर, उन सभी के दर्शन करने को मिलते हैं, सबकी मूर्ति बनी हुई है और सभी के दर्शन करने को मिलते हैं। तो डायरेक्ट आता है गोमटगिरी दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है? इंदौर में है। अगला है पावागिरी जैन तीर्थ स्थल, ये खरगोन में है। पावागिरी, है ना,
पावागिरी जैन तीर्थस्थल कहाँ है, डायरेक्ट पूछेगा। पावागिरी जैन तीर्थस्थल खरगोन में है, याद रखना है। पावागिरी जैन तीर्थस्थल डायरेक्ट पूछेगा कहाँ पर है, खरगोन में है, पहले ही बता रहा हूँ। अगला है बावन गजा, तो बावन गजा बड़वानी में है दोस्तों। बड़वानी में करीब 8 किलोमीटर दूर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा एक पत्थर से बनी हुई है। माना जाता है कि इस मूर्ति का निर्माण रामायण काल में हुआ था, ऐसा बोलते हैं, यानी नहीं वैसा नहीं है, लेकिन ऐसा विश्व तीर्थकर जो हुए थे उनकी भी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। बहुत सारी चीज़ें, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आदिनाथ, भगवान आदिनाथ है ना, दुनिया भर में मशहूर। चूलगिरी की जो पहाड़ी है दोस्तों वहाँ पे बना हुआ है, जो चूलगिरी की पहाड़ी है ना, वहाँ बावन गजा, बावन गज की मूर्ति है, इसलिए बावन गजा बोलते हैं। फिट में देखा जाए तो 84 फीट ऊंची भगवान ऋषभदेव, यानी भगवान ऋषभदेव जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए थे, भगवान ऋषभदेव, उन्हें आदिनाथ कहा जाता था। तो ये भी पूछा गया एक बार कि बावन गजा में कौन से भगवान की मूर्ति है, तो याद रखना है भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ पूछा जा सकता है। अगला पुष्पागिरी जैन तीर्थस्थल, ये सोनकच्छ में स्थित है दोस्तों। दिगंबर जैन तीर्थस्थल है पुष्पागिरी जो सोनकच्छ, सोनकच्छ आता है देवास में दोस्तों, सोनकच्छ आता है देवास में, तो देवास में पुष्पागिरी जैन तीर्थस्थल है। तो पुष्पागिरी जैन तीर्थस्थल पुष्पागिरी सोनकच्छ में स्थित है, याद रखना है ना। तो मंदिरों की संख्या यहाँ बहुत सारी है, बहुत बड़े बड़े एक से एक खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं, आज भी लोग देखने जाते हैं, इतना ही याद रखें बस। पुष्पागिरी जैन तीर्थस्थल पूछेगा सोनकच्छ देवास में है, है ना। अगला है द्रोणागिरी जैन तीर्थस्थल, द्रोणागिरी जैन तीर्थस्थल, यह है जैन तीर्थ द्रोणागिरी, पार्श्वनाथ मंदिर भी बोलते हैं इसको दोस्तों। छतरपुर में पार्श्वनाथ मंदिर जो बना हुआ है ना, उसी को बोले अद्भुत जैन तीर्थ स्थल द्रोणागिरी पार्श्वनाथ मंदिर, है ना। तो ये क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है, द्रोणागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है, छतरपुर में है। तो इसको ऐसा भी बोलते हैं अद्भुत जैन तीर्थ द्रोणागिरी पार्श्वनाथ मंदिर छतरपुर में। अगला है मंगलगिरी जैन तीर्थस्थल, है ना, मंगलगिरी जैन तीर्थस्थल, दिगंबर जैन तीर्थ मंगलगिरी नाम रखा गया है इसका, दिगंबर जैन मंदिर है मंगलगिरी, है ना। ये तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा अपने को मंगलगिरी जैन तीर्थस्थल कहाँ है, सागर में। कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं याद हो गए, उसको छोड़ दो, जो नहीं हुए उसको याद रखना है। मंगलगिरी कहाँ पर है, मंगलगिरी जैन, दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है, जैन तीर्थस्थल मंगलगिरी, ये है कहाँ, सागर में। इतना ही याद रखें, इसकी इतनी सी विशेषता है। मातुंग गिरी, इसको ऐसा भी लिखते हैं मान तुंग गिरी, है ना, धार में है ये जैन तीर्थस्थल है, है ना। मातुंग गिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ है, धार में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। दिगंबर जैन मातुंग गिरी तीर्थ क्षेत्र है धार में, आमखेड़ा जिला धार में, यानी आमखेड़ा में है जिला धार, है ना। तो ये इतना ही पूछेगा अपने को। तो इसमें मुक्तागिरी बैतूल में है और मतुंग गिरी, दोनों में कन्फ्यूज मत होना, मामा से नाम आता है, मुक्तागिरी बैतूल और मतुंग गिरी धार में है, है ना। उसके अलावा कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल, कुंडलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध जैन धार्मिक स्थल है, यह धार्मिक स्थल मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है दोस्तों। कुंडलपुर में अपने जैन मंदिर देखने को मिलते हैं, कुंडलपुर के जैन मंदिर बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, यहाँ पूरी यहाँ पर करीब 35 से 36 मंदिर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर मंदिर बड़े बड़े बाबा जी का मंदिर है, कुंडलेश्वर के बड़े बाबा का मंदिर प्रसिद्ध है, बड़े बाबा जी का मूर्ति यहाँ पर बैठी हुई मुद्रा में विराजमान है, और खत्म खेल। तो कुंडलपुर जैन तीर्थस्थल डायरेक्ट पूछेगा कहाँ पर है, दमोह में। ये इतने जैन तीर्थस्थल है अपने मध्य प्रदेश में, इसको याद रख लेना है। मुक्तागिरी इंपॉर्टेंट है, मुक्तागिरी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मुक्तागिरी जैन तीर्थस्थल बैतूल, सोनगिरी जैन तीर्थस्थल दतिया में है, गोमठगिरी इंदौर में है, पावागिरी खरगोन में है, बावन गजा इंपॉर्टेंट है, पुष्पागिरी कहाँ पर, देवास के सोनकच्छ कच्छ में है, द्रोणागिरी छतरपुर में है, मंगलगिरी इंपॉर्टेंट है, मंगलगिरी सागर में है, मतुंग गिरी धार में है, कुंडलपुर दमोह में है, है ना। इतने याद रखना है। देखो यहाँ दो इमेज दी हुई है, ये दोनों इमेज किसकी है, कुंडलपुर की है। तो इसके बारे में मैं पढ़ के बताता हूँ थोड़ा सा क्या बोला है। विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर 189 फीट ऊंचाई दमोह जिले में कुंडलपुर में बनाया गया है 16 से 23 फरवरी 2022 में। यहाँ पर पंच कल्याण महोत्सव आयोजन किया गया था दोस्तों। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक त्यौहार का आयोजन किया गया था, जिसका नाम था पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया था, यहाँ पे याद रखना है ना। तो ये उसके बाद इधर क्या है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। कुंडलपुर जैन तीर्थस्थल मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। यहाँ बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध भगवान आदिनाथ की 12 फीट ऊंची प्रतिमा है,
मैंने अभी बताया था कुंडलेश्वर में बड़े बाबा का मंदिर प्रसिद्ध है, बड़े बाबा जी की मूर्ति यहाँ पर बैठी हुई मुद्रा में विराजमान है। बड़े बाबा का मंदिर अभी बना हुआ है। इस मंदिर में बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है, देखने को मिलती है, देखने में बड़ा अद्भुत नज़र आता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन में बड़ी शांति महसूस होती है। हम लोग कुंडलपुर अपनी गाड़ी से गए थे, लेकिन यानी मैं तो गया नहीं हूँ अभी तक, मैं नहीं गया तो समझो, है ना। तो कुंडलपुर जैन तीर्थस्थल मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है, बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कुंडलपुर या बड़े बाबा का मंदिर कहाँ पर है, कुंडलपुर दमोह में है, ये दोनों उसी के बारे में बताया गया, बस आ गया समझ। इस तरीके से हमारे मंदिर कंप्लीट हुए दोस्तों, है इस तरीके से हमारे मंदिर कंप्लीट हुए। और कुछ मंदिर रह गए हैं क्या, इतने मंदिर क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। इसके अलावा और एक दो मंदिर है जो यहाँ पे छपे नहीं है इस बुक में, है ना, तो ये देख लेना आप एक बार, है ना। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर में हमने सारे मंदिर को डिस्कस किए धमाकेदार तरीके से, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, जय महाकाल।